बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से आ रही है। गोड्डा में उस वक्त अजीब माहौल बन गया जब सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव में हाथापाई होने लगी। दरअसल हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में गोड्डा से पहली वार ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही थी और जिसका श्रेय लेने के लिए स्थानीय नेताओं में होड़ लगी। इसे लेकर सांसद निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी आमने सामने आ गए। एक दिन पूर्व ही इरफान ने कहा था कि यदि सांसद निशिकांत दुबे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के मौके पर पहुंचे तो उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। उन्हें इसका जवाब भी सांसद ने दिया है और इसी तनातनी के बीच जब रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो पहले से ही मौजूद विधायक प्रदीप यादव के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हो गई। दोनों नेताओं की भिड़ते ही उनके समर्थक भी आपस में उलझ पड़े जिस कारण काफी देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि आज गोड्डा स्टेशन से नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन हम सफर की आज शुरुआत होने वाली थी। ऑनलाइन इसका उद्घाटन होने वाला था जिसमें सांसद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, पड़ैया हाट विधायक जो कांग्रेस के हैं प्रदीप यादव, दीपिका पांडे भी महागामा विधायक, सहित मंत्री चंपाई सोरेन भी वहां पहुंचे हुए थे। इसी दौरान सांसद और निशिकांत दुबे प्रदीप यादव विधायक के कार्यकर्ता में तुतु में हुआ किसी बात को लेकर और उसी के कारण जो है दोनों के बीच माहौल बढ़ गया जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और सांसद निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव में हाथापाई हुई और वही कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए जिसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है इसमें, क्योंकि सांसद और विधायक दोनों आपस में भिड़ गए हैं और उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बयान सामने जरूर आया होगा, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अभी फिलहाल किसी पक्ष ने अभी कोई बयान नहीं दिया है और वहीं पुलिस बीच बचाव करके अभी माहौल को शांत करवा दिया है क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी। दोनों तरफ से कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और प्रदीप यादव के द्वारा जो है निशिकांत दुबे पर हमला कर दिया गया था जिसके कारण काफी माहौल गर्म हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने सारा पुलिस बल जो थी और आरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने फिलहाल मामला को शांत कराया है और वहां से निशिकांत दुबे फिलहाल निकल चुके हैं स्टेशन से। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत। तो आपको बता दें गोड्डा का यह पूरा मामला है जहां सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव आपस में ही भिड़ गए, कहा सुनी होने लगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं स्टेशन परिसर का यह मामला है और हमसफर एक्सप्रेस की यहां पे शुरुआत होने वाली थी जो कि दिल्ली तक जाती, लेकिन उससे पूर्व जब हरी झंडी दिखाई गई सांसद द्वारा तो यहां पर हाथापाई शुरू हो गई है।